हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल का ख्याल जो है वो अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा या आपने ऐसा किया भी होगा कि आप नहा कर आए हों और अपने आप को सुखाने के लिए आप सीलिंग फैन के नीचे खड़े हो गए हों या बैठ गए हों कि जल्दी से हम इसके नीचे बैठ जाएंगे तो हम सूख जाएंगे, यानी कि हमारा सर का पानी जो है और जो हमारी बॉडी का पानी है वो सूख जाएगा और हम ड्राई हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, नहाने के बाद सीलिंग फैन के नीचे बदन सुखाना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसा क्यों है, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए लोग कई उपाय आजमाते हैं। बहुत से लोग नहाने के तुरंत बाद चलते सीलिंग फैन के नीचे खड़े होना पसंद करते हैं। भीगे बदन पर पंखे की लगती हवा कुछ देर के लिए शरीर में ठंडक घोलने का काम करती है। आप क्या ये बात जानते हैं कि ये आदत आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। जी हाँ, शरीर को ठंडा रखने की ये कवायद आपके लिए मुसीबत ला सकती है। आप भी अगर अनजाने में रोजाना ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ने में ही भलाई है। इस आदत की वजह से मांसपेशियों में दिक्कत होने के साथ शरीर में अकड़न पैदा हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि नहाने के बाद पंखे के नीचे सीधे ना खड़े हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप नहाते हैं तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर आप इसके बाद तुरंत पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो ठंडी हवा आपके गीले शरीर से गर्मी को तेजी से निकाल सकती है, जिससे आपको ठंड लग सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, ऐंठन हो सकती है या फिर सर्दी भी हो सकती है। कुछ देर के लिए कमरे के तापमान में आने दें, यानी कि नहाने के बाद अपने तौलिए से खुद को अच्छी तरह सुखा लें और कुछ देर के लिए कमरे के तापमान में आने दें। यह आपके शरीर को धीरे धीरे ठंडा होने में मदद करेगा और ठंड लगने की संभावना कम कर देगा। अगर आप पंखे का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे कम गति के साथ चलाएं और इसे सीधे अपने शरीर पर ना उड़ासें, यानी कि इससे आपको ठंडी हवा के झोंके से बचाने में मदद मिलेगी। आपको सर्दी लग सकती है अगर डायरेक्ट आप सीलिंग फैन के नीचे खड़े होते हैं नहाने के बाद, तो आपको ठंड लग सकती है, आपकी हड्डियों में ठंड बैठ जाएगी। जी हाँ, अगर गर्मियों में भी आप खड़े होते हैं तो इससे क्या है, अपने शरीर को आपको बचाना होगा। अगर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, तो समझ जाइए कि आप डेली सीलिंग फैन के नीचे खड़े हो रहे होंगे, तभी ऐसा हो रहा है। अगर आपके पास एयर कंडीशन है तो आपको इसका उपयोग कमरे को ठंडा करने के लिए कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि तापमान बहुत कम ना हो, क्योंकि इससे भी आपको ठंड लग सकती है। ठंडा पानी पीने से आपको अंदर से ठंडा होने में मदद मिलेगी। नहाने के बाद सूती या अन्य हल्के कपड़े पहने, ये आपके शरीर को आराम से रखने और पसीने को सोखने में मदद करेगा। जी हाँ, ठंडा पानी आप पी सकते हैं, हल्का ठंडा, ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। हल्के कपड़े आप पहनिए, सूती कपड़े पहनिए, इससे शरीर आपका ठंडा रहेगा। लेकिन सीलिंग फैन के नीचे बिल्कुल मत खड़े होइए, इससे आपकी हड्डियों में ठंड बैठ सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी जो वीडियो में हमने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।